ईडी के माध्यम से एक नया षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। आज ईडी ने एमएचए को एक चिट्ठी लिखी, कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी पर केस कर रहे हैं, इन्होंने गलत तरीके से डोनेशन ली, इन्होंने विदेशों से डोनेशन ली। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं, आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहती हूं कि आप रोज रोज हम पे झूठे आरोप लगा लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता इन झूठे आरोपों का जवाब देगी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं ये पता नहीं कहां से भूले बिसरे आरोप लेके आए हैं, ये कई साल पुराना मैटर है जिसमें आम आदमी पार्टी ईडी को, सीबीआई को, एमएचए को, इलेक्शन कमीशन को पहले ही जवाब दे चुकी है। मैं दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को और देश भर के लोगों को याद कराना चाहती हूं कि 2015 में जब चुनाव हो रहा था दिल्ली विधानसभा का और ये दिख रहा था कि दिल्ली में एक तरफी जीत आम आदमी पार्टी की होने वाली है, इसी तरह का एक झूठा आरोप आम आदमी पार्टी पे लगाया गया था, हवाला एट मिडनाइट, और कई दिनों तक ये झूठे आरोप टीवी पर चले, पेपर में आए, लेकिन दिल्ली की जनता ने विश्वास नहीं किया। दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा अरविंद केजरीवाल पे किया, 70 में से 67 सीट की।